हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइंग फिजिक्स। तो BRC 22 का जो एग्ज़ाम हुआ था फिजिक्स का, उस एग्ज़ाम का एनालिसिस हम देखने वाले हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे और किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको कुछ फ़ायदा मिल सके। और ये जो पेपर डिस्कस हम करने वाले हैं वो 2 अप्रैल को हुआ था। तो 2 अप्रैल को जो पेपर हुआ वो कंप्लीट पेपर मैंने अरेंज किया है और पूरा मैंने उसको एनालिसिस किया है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आपसे बने थे। तो पेपर डिस्कस करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने या आपके किसी दोस्त ने 5 अप्रैल को BARC का एग्ज़ाम दिया है और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस याद हैं तो आप प्लीज़ टेलीग्राम पे शेयर कर दो। कैसे शेयर करना है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो पुष्पा चाहर वाली ID ओपन करके वहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दो, क्योंकि मैं क्या सोच रही हूँ कि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा BARC का 23 में, उससे पहले एक टेस्ट सीरीज हम डिजाइन करें। और वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये आइडिया रहे कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वैसे वैसे से क्वेश्चन हम टेस्ट सीरीज में डाल देंगे और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी टाइम मैनेजमेंट के लिए। क्योंकि BARC का जो एग्ज़ाम है वो टोटल ही प्रैक्टिस के बेसिस पे है कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, 100 क्वेश्चंस आपको कैसे कवर करने हैं। तो जैसे ही आपकी प्रैक्टिस होगी ज़्यादा क्वेश्चंस आप सोल्व कर पाओगे और सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो फिर से मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपने या आपके किसी दोस्त ने 5 अप्रैल को एग्ज़ाम दिया है और कुछ क्वेश्चंस याद हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पे शेयर कर दो। तो BARC की सिलेबस और कट ऑफ से रिलेटेड एक वीडियो मैंने पहले भी डाली थी, उसमें मैंने क्या बोला था कि जो मॉडर्न सब्जेक्ट्स हैं वो ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। और मैंने शायद ऐसे भी बोला था कि जो अपना मैथमेटिकल फिजिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स है, EMT है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इनसे क्वेश्चंस कम बनते हैं। ऐसा नहीं है कि इनसे क्वेश्चन कम बनते हैं, क्योंकि अब की बार मैंने पूरा पेपर फुर्सत से देखा है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बने हुए हैं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स से आपके 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वांटम मैकेनिक्स से 14, EMT से 14, क्लासिकल मैकेनिक्स से 12, थर्मोस्टेट से 12, इलेक्ट्रॉनिक्स से 10, अटोमिक मोलिकुलर से 8, न्यूक्लियर सॉलिड इनसे 8। तो इनका सम आप करते हो तो ये टोटल 99 क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन में मेरे को डाउट है कि वो हमें MP में कंसीडर करना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स या सोलिड में, क्योंकि वो डिफ्यूजन इक्वेशन का क्वेश्चन है और डिफ्यूजन इक्वेशन जो है वो हम सेमीकंडक्टर में पढ़ते हैं, तो मैं उसको सोलिड में ही कंसीडर करती हूँ। तो सोलिड में हम बोलेंगे कि सोलिड से 9 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, तो ये टोटल 100 क्वेश्चंस आपने बन रहे हैं। हम किस बेसिस पे बोल रहे थे कि मॉडर्न फिजिक्स जो है वो ज़्यादा स्कोरिंग है, क्योंकि जब मैंने 2020 का एग्ज़ाम दिया था BARC का, तो मोस्टली हमें किस टाइप के क्वेश्चन ध्यान रहते हैं, जो हमारे इजीली सोल्व हो जाते हैं, जो हम सोल्व करके आते हैं, जो हमारे से सोल्व नहीं होते वो हमें ध्यान ही नहीं होते एग्ज़ाम में कि वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए भी थे। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि जो मैंने एग्ज़ाम दिया था 2020 का, तो जो क्वेश्चन मेरे से इजीली सोल्व हो गए थे वो इन सब्जेक्ट्स के थे, एटॉमिक, न्यूक्लियर सॉलिड, थर्मोस्टेट, क्वांटम मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स से। और कुछ क्वेश्चंस जो थे वो MP के भी इजीली सोल्व हो गए थे, इसीलिए मैंने आपको ऐसे बोला कि जो मॉडर्न फिजिक्स है वो ज़्यादा स्कोरिंग है। ऐसा नहीं है कि जो अपने क्लासिकल है, मैथमेटिकल फिजिक्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स हैं, उनसे क्वेश्चंस ही नहीं बनते, उनसे भी अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन स्कोरिंग जो हम इजीली सोल्व कर पाते हैं वो क्वेश्चन किसके हैं, एटॉमिक, न्यूक्लियर, सॉलिड। इलेक्ट्रॉनिक्स के भी कुछ क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाते हैं, क्लासिकल के क्वेश्चन और इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटोस्टैट से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो उनको हम अवॉइड ही करते हैं। और मैथमेटिकल फिजिक्स से भी 2-4 क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं जो अपने टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके इजीली सोल्व हो जाएंगे, 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो टाइम कंज्यूमिंग होंगे जिनको हम अवॉइड करेंगे। और उन्हीं के बेसिस पे हम ये बोल देते हैं कि मैथमेटिकल फिजिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स या हम बोलें इलेक्ट्रोस्टैट, उनके क्वेश्चन इजीली सोल्व नहीं होते, इनके इजीली सोल्व हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैथमेटिकल फिजिक्स के क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं कि मैथमेटिकल फिजिक्स में भी कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं
और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि मैथमेटिकल फिजिक्स से टोटल 13 क्वेश्चन पूछे गए थे और वो 13 क्वेश्चन कैसे डिवाइड थे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बने थे वो मैट्रिक्स एलजेब्रा से थे और वो कितने थे, 5 क्वेश्चन थे। उसके बाद वेक्टर एलजेब्रा से आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, डिफरेंशियल इक्वेशन से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और 1 क्वेश्चन पूछा गया था लैपलास ट्रांसफॉर्म से। तो इनका टोटल अगर आप करते हो तो आपको टोटल 13 क्वेश्चन मिलेंगे। और ये हम बात कर रहे हैं कि जो 2 अप्रैल को जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी। तो मैट्रिक्स एलजेब्रा के क्वेश्चन हम देखते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आइगन वैल्यू ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स इज 0 माइनस आइटा एंड आइटा, देन द मैट्रिक्स इज। तो आपको दिख रहा है कि आइगन वैल्यू जो है वो किस टाइप की है, रियल तो नहीं है, रियल होती है किसके लिए, हर्मिशियन के लिए। किस टाइप की है, जीरो है और क्या है, इमेजनरी है, प्योरली इमेजनरी। और वो आपको पता होगा आइगन वैल्यू जो है आइदर जीरो और प्योरली इमेजनरी किसके लिए होती है, एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, या फिर हम बोले स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा ये क्वेश्चन। सेकंड है, कैसे होती हैं वो जीरो और प्योरली इमेजनरी, वो जब हम मैट्रिक्स एलजेब्रा वाला चैप्टर करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए वो जीरो और प्योरली इमेजनरी क्यों होती है, हर्मिशियन के लिए वो रियल क्यों होती हैं, और जो यूनिटरी और एंटी यूनिटरी के लिए किस फॉर्म की होती हैं वो भी हम देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है अपना कि अगर एच क्या है, हर्मिशियन है, और आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो हमें बताना है कि ये जो मैट्रिक्स है मल्टीप्लाई जो फॉर्म में गिवन है हमें, वो किस टाइप की है। तो अगर इसको आप सोल्व करते हो, कैसे भी सोल्व कर लो आप इसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो नहीं बनेगी, तो डी ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। फिर हमें देखना है कि हर्मिशियन, एंटी हर्मिशियन या यूनिटरी मैट्रिक्स। तो कैसे हम चेक करते हैं, अगर इस मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं ए का, तो हर्मिशियन के लिए हम देखते हैं कि ए डैगर अगर हम लें और अगर वो ए के इक्वल ही आता है तो मैट्रिक्स क्या होगी, हर्मिशियन होगी। अगर ए डैगर लेने पे माइनस ए के इक्वल आता है तो मैट्रिक्स क्या होगी, एंटी हर्मिशियन होगी। और अगर हम कैसे लिखें, ए इंटू में ए डैगर, या फिर मैं लिखूं ए डैगर इंटू में ए, वो अगर आइडेंटिटी के इक्वल आता है तो मैट्रिक्स क्या होगी, यूनिटरी मैट्रिक्स होगी। और क्योंकि हमें पता है ए इंटू में ए इनवर्स, या फिर हम बोले ए इनवर्स इंटू में ए, वो भी किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के ही इक्वल होता है। तो यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए एक दूसरी कंडीशन क्या होगी कि जो ए डैगर है वो किसके इक्वल होगा, ए डैगर किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स के इक्वल होगा। तो ये कंडीशन हम चेक कर लेंगे यूनिटरी के लिए। तो सबसे पहले तो हर्मिशियन के लिए अगर हम देखें तो ए हमें गिवन है, इसका डैगर हम लेंगे, तो डैगर हम अप्लाई करते हैं, अगर हम इसको लिखते हैं बी इंटू सी की फॉर्म में, बी इंटू सी का क्या है, इनवर्स, तो इस पे हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, डैगर। तो सबसे पहले तो सी पे डैगर अप्लाई होगा, तो सी पे अप्लाई होगा तो आइटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, माइनस आइटा, और माइनस साइन पहले ही है तो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी प्लस आइटा इंटू हर्मिशियन मैट्रिक्स, और इसका क्या है, इनवर्स, इंटू में क्या होगा, आइडेंटिटी माइनस आइटा इंटू हर्मिशियन मैट्रिक्स। और इसको अगर आप देखते हो तो ना तो ये ए के इक्वल आपको दिख रही है, ना ये माइनस ऑफ ए के इक्वल आपको दिख रही है, ना तो ए के इक्वल है ना माइनस ऑफ ए के इक्वल है, तो ना तो हर्मिशियन हुई ना एंटी हर्मिशियन हुई, तो ये मैट्रिक्स किस फॉर्म की होगी, यूनिटरी मैट्रिक्स। तो यूनिटरी के लिए भी हम चेक कर लेते हैं कि ए डैगर जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए इनवर्स के इक्वल होना चाहिए। तो ए डैगर तो हमने देखा ये वैल्यू है, ए इनवर्स हम और निकालें तो ए इनवर्स अगर हम लेते हैं इसका तो क्या आएगा, आइटा प्लस आइटा एच का क्या होगा, इनवर्स, और इसका दोबारा से इनवर्स होगा तो इनवर्स क्या होगा, कैंसिल होगा, तो क्या मिलेगा, आइडेंटिटी प्लस माइनस आइटा इंटू में हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो अगर ए डैगर को आप देखो तो वो किस फॉर्म की दिख रही है, ए इनवर्स फॉर्म की दिख रही है, तो ए डैगर किसके इक्वल है, ए इनवर्स के इक्वल है,
तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन है वो क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था मैट्रिक्स अलजेब्रा से, जो बहुत इजी था कि हमें इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकालनी है। और आइगन वैल्यू आपको पता है हम कैसे निकालते हैं, किसी भी ए मैट्रिक्स की ए माइनस लेमडा आइडेंटिटी, और इसका डिटर्मिनेंट रखेंगे जीरो के इक्वल। वहाँ से जो लेमडा की वैल्यूज होंगी वही हमारी क्या होती हैं, आइगन वैल्यूज होती हैं मैट्रिक्स की। तो a माइनस लेमडा आई क्या होगा, माइनस लेमडा वन माइनस वन, वन माइनस लेमडा वन माइनस वन, वन माइनस लेमडा, और इसका डिटर्मिनेंट हम रखेंगे जीरो के इक्वल। तो माइनस लेमडा कॉमन आया, लेमडा स्क्वायर माइनस वन, माइनस वन सेकेंड एलिमेंट के साथ माइनस साइन आता है, माइनस लेमडा इंटू में प्लस वन हो गया, माइनस वन अपना है ही थर्ड एलिमेंट, इसके साथ क्या होगा वन माइनस लेमडा, और ये किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, माइनस लेमडा तो अपना है ही, इसको हम लिख रहे हैं लेमडा माइनस वन इंटू लेमडा प्लस वन, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें गिवन है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हमने लिख लिया, माइनस वन हम अंदर लेके गए तो क्या हुआ प्लस लेमडा माइनस वन, माइनस वन हम अंदर लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा लेमडा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो लेमडा माइनस वन सब में कॉमन है, तो लेमडा माइनस वन तो बाहर आ गया, इधर क्या बचता है माइनस लेमडा इंटू लेमडा प्लस वन, और यहाँ पे बचेगा वन प्लस वन, तो हमने लिख दिया टू इज इक्वल टू जीरो। तो एक आइगन वैल्यू तो हमें क्या मिल रही है, लेमडा इज इक्वल टू वन इसके कोरस्पॉन्ड, दूसरी लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा, माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, इसको हम सोल्व करेंगे तो लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस टू इज इक्वल टू जीरो हमने लिखा, माइनस से डिवाइड किया तो लेमडा स्क्वायर प्लस टू लेमडा माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, फैक्टराइज फॉर्म में हम लिखेंगे। तो एक आइगन वैल्यू यहाँ से मिलेगी लेमडा इज इक्वल टू माइनस टू, एंड दूसरी हमें मिलेगी लेमडा इज इक्वल टू वन। तो जो आइगन वैल्यूज आ गई वो क्या आई, वन वन एंड माइनस टू। और आप यहाँ से भी देख सकते हो कि ये जो ट्रेस हमें गिवन है वो क्या गिवन है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स वो जीरो गिवन है। और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या बताता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। तो सम ऑफ आइगन वैल्यू अगर हम देखें तो वो भी हमारा क्या है, जीरो ही है, वन वन एंड माइनस टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैट्रिक्स से, ए टू क्रॉस टू मैट्रिक्स ए हैज ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, तो हमें ए स्क्वायर बताना है। तो कैसे हम सोल्व करेंगे, कोई एग्जाम्पल हम कंसिडर करेंगे कि ए मैट्रिक्स जो है वो हमारी किस फॉर्म की है, ए बी सी डी फॉर्म की हमारी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ए स्क्वायर जो है वो हमें निकालना है, तो ए स्क्वायर हम निकालेंगे, यहाँ पे गिवन क्या है कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है वो ज़ीरो, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, ए प्लस डी जो है वो ज़ीरो के इक्वल गिवन है। तो ए को हम क्या लिख देते हैं, माइनस डी, या फिर माइनस डी को हम क्या लिखें, ए, ठीक है। तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए बी सी डी इंटू ए बी सी डी, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ए बी का इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ए स्क्वायर प्लस बी सी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ए बी प्लस बी डी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो ए सी प्लस सी डी, एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम तो बी सी प्लस डी स्क्वायर, तो ये हमें मिल रहा है। अब ये जो सेकंड एलिमेंट है अपना, इसको अगर आप देखो तो इसमें से आपको b कॉमन दिख रहा है, तो b हमने ले लिया कॉमन, और a प्लस डी हमें गिवन है ज़ीरो के इक्वल, तो ये जो एलिमेंट हुआ वो क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, ठीक है। अब इसमें से भी अगर आप c कॉमन लेते हो तो a प्लस डी तो हमारा क्या है, ज़ीरो, तो ये एलिमेंट भी क्या हो गया अपना, ज़ीरो, ठीक है। और हमें क्या गिवन है यहाँ पे कि a जो है वो माइनस डी के इक्वल है, तो अगर ए स्क्वायर हम करें तो वो डी स्क्वायर के इक्वल होगा, तो डी स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, ए स्क्वायर। तो ये जो एलिमेंट्स हैं अपने वो सेम है, वो हम बाहर ले आएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी सी तो हमने ले लिया बाहर, और मैट्रिक्स हमारी क्या बचती है, वन जीरो ज़ीरो वन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बचती है टू क्रॉस टू की। तो ऑप्शन से अगर आप मैच करते हो तो बी ऑप्शन में आपको क्या गिवन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसका क्या है, स्क्वायर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक नंबर होगा और उसका स्क्वायर भी एक नंबर हमें मिलेगा, मैट्रिक्स नहीं मिलेगी। तो ए स्क्वायर तो क्योंकि मैट्रिक्स है तो बी ऑप्शन तो इनकरेक्ट होगा, और ए स्क्वायर हम देख रहे हैं तो वो ए के इक्वल नहीं आ रहा, तो ए ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा। अब आइडेंटिटी की अगर हम बात करें
तो ए स्क्वायर प्लस बी सी को क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकती है ना, अगर ये वैल्यू अपनी 1 होती है तो। और क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट गिवन है उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जो ये कहती हो कि ये जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल होगी। तो जनरल फॉर्म जो होगी मैट्रिक्स की वो क्या होगी, माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी। ये भी हो सकती है लेकिन इसके लिए कंडीशन कुछ गिवन होनी थी क्वेश्चन में, तो ये भी अपना इनकरेक्ट होगा। अब इसको भी एक बार चेक कर लो कि माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी आता है कि नहीं आता। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम निकालें तो वो क्या आएगा, ए डी माइनस बी सी, ठीक है। और माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ए क्या आ जाएगा, माइनस ए डी प्लस बी सी, ठीक है। तो माइनस ए डी की जगह पे हम क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ डी की जगह पे हम लिखते हैं ए, तो क्या आ जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी सी इंटू में क्या है, आइडेंटिटी। तो यहाँ से भी हमने क्या निकाला है कि ए स्क्वायर प्लस बी सी इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जो सी ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है मैट्रिक्स एलजेब्रा से, ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स हैज आइगन वैल्यूज ए आई, इफ बी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ए, देन बी हैज सेम आइगन वेक्टर एंड आइगन वैल्यूज, डिफरेंट आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज, सेम आइगन वेक्टर विद आइगन वैल्यू इज ई रेज टू पावर ए आईज, डिफरेंट आइगन वेक्टर्स विद आइगन वैल्यू इज ई रेज टू पावर ए आईज। तो हमें क्या गिवन है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है ए जो 3x3 की है और उसकी आइगन वैल्यू जो है वो क्या है, ए आई है, ए आई आई या फिर हम बोले ए आई। जो मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है वो क्या है, ए वन ए टू एंड ए थ्री। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो ए मैट्रिक्स है वो हमारी किस फॉर्म में है, डायगनलाइज्ड फॉर्म में है, या फिर अगर वो डायगनलाइज्ड फॉर्म में नहीं भी है तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने पे डायगनल एलिमेंट्स जो होते हैं ए वन ए टू ए थ्री वो तो हमारी क्या होती है, आइगन वैल्यूज, और बाकी जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0 0 0, ठीक है। तो डायगनलाइज्ड फॉर्म में हमने लिख लिया ए मैट्रिक्स को, और बी को क्योंकि हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं, ई रेज टू पावर ए में। तो अगर ए हमारी डायगनलाइज्ड फॉर्म में है तो बी को भी हम डायगनलाइज्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ई रेज टू पावर ए वन, ई रेज टू पावर ए टू एंड ई रेज टू पावर ए थ्री, और जो बाकी एलिमेंट्स होंगे वो वही होंगे 0 0, ठीक है। तो ऐसे हम बी को लिखेंगे, तो ये बी भी अपनी क्या है, अब डायगनलाइज्ड फॉर्म में ही है, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर मैट्रिक्स हमें लिखनी हो और ए मैट्रिक्स हमें गिवन हो तो सबसे पहले तो ए को हम डायगनलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद बी को डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं। तो जो बी की आइगन वैल्यूज होंगी वो तो हमें पता चल गई वो किस फॉर्म की होंगी, ई रेज टू पावर ए आईज फॉर्म की होंगी, ठीक है। और डायगनलाइज्ड फॉर्म की मैट्रिक्स हैं दोनों, तो और ए से ही बी हमारी जनरेट हो रही है, तो इनके जो आइगन वेक्टर्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो जो सी ऑप्शन होगा वो अपना करेक्ट ऑप्शन होगा कि सेम आइगन वेक्टर होंगे ए और बी के, लेकिन बी की जो आइगन वैल्यूज होंगी वो किस फॉर्म की होंगी, ई रेज टू पावर ए आईज फॉर्म की होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वेक्टर एलजेब्रा से है, उसमें एक वेक्टर हमें गिवन है और पूछा क्या है कि कर्ल ऑफ ए, ठीक है। तो सबसे पहले तो कर्ल ऑफ ए हम निकालेंगे, और कैसे हम निकालते हैं, आई जे के डी बाई डी एक्स डी बाई डी वाई डी बाई डी जेड एक्स क्यूब वाई वाई प्लस एक्स जेड स्क्वायर एंड 3x, और इसका डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे तो i कैप इंटू में क्या आ जाएगा, इसका y के रेस्पेक्ट में 0 होगा, z के रेस्पेक्ट में क्या होगा 2xz, माइनस j कैप बाहर आएगा, x का इसके साथ क्या होगा 3 और z का इसके साथ क्या होगा 0, प्लस k कैप बाहर आएगा और x का इस टर्म का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा z स्क्वायर, और इसका y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा माइनस ऑफ माइनस साइन आएगा क्रॉस टर्म के लिए तो x क्यूब आ जाएगा, ठीक है। y का 1 हो जाएगा, x क्यूब को हम कैसे ट्रीट करेंगे एज ए कॉन्स्टेंट, क्योंकि डेल ऑफ डेल y हम लिख रहे हैं, तो पार्शियल डेरिवेटिव है विद रेस्पेक्ट टू x y एंड z। तो जो अगर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y और z को हम क्या मानेंगे कॉन्स्टेंट, x का सिर्फ डेरिवेटिव करेंगे, तो ये फॉर्म हमारी आ रही है माइनस टू एक्स जेड आई कैप
माइनस थ्री जे कैप प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इंटू में के कैप। अभी हमें निकालना है कर्ल ऑफ ए, तो इसका फिर से कर्ल हम लेंगे तो वो कैसे आएगा, आई कैप जे कैप के कैप डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई एंड डेल बाई डेल जेड, तो माइनस टू एक्स जेड माइनस थ्री एंड जेड स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, इसका क्या होगा डिटर्मिनेंट। तो आई कैप बाहर आया, इसका वाई के रेस्पेक्ट में ज़ीरो और इसका जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव भी क्या है ज़ीरो। माइनस जे कैप हम लेंगे सेकेंड टर्म के साथ माइनस साइन लेते हैं, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा इस टर्म का माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और इस टर्म का जेड के रेस्पेक्ट में कैसे होगा माइनस साइन, एक तो क्रॉस टर्म के साथ आता है कि यहाँ पे है तो प्लस टू एक्स, ठीक है, प्लस के कैप बाहर आएगा और इस टर्म का एक्स के साथ डेरिवेटिव क्या होगा ज़ीरो और इसका वाई के साथ भी क्या होगा ज़ीरो। तो सिर्फ जे कैप वाली टर्म हमें मिल रही है और अगर माइनस साइन हम इनसाइड लेते हैं तो क्या मिलता है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इंटू में जे कैप। तो ऑप्शन से आप चेक कर लो, जो सी ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर एक्स आप कॉमन लेते हो तो ये फॉर्म हमें मिल रही है एक्स इंटू में थ्री एक्स माइनस टू इंटू जे कैप। तो सेकेंड क्वेश्चन है वेक्टर अलजेब्रा से कि एक वेक्टर हमें गिवन है और निकालना क्या है इंटीग्रल ए डॉट डी आर फ्रॉम द पॉइंट ओरिजन टू स्क्वायर रूट टू स्क्वायर रूट टू स्क्वायर रूट टू। तो एक लाइन हमें मिलेगी जो 3D में होगी कि ओरिजन से और एक पॉइंट होगा अपना स्क्वायर रूट टू और स्क्वायर रूट टू, तो इसकी लाइन के अलोंग इंटीग्रल हमें फाइंड आउट करना है ए डॉट डी आर। तो सबसे पहले तो ए डॉट डी आर को आप लिखोगे तो कैसे हम लिखेंगे इंटीग्रल 5x प्लस 3y और क्योंकि i कैप हमारा है तो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा dx के साथ माइनस 12yz इंटू में dy माइनस एक्स स्क्वायर जेड इंटू में क्या होगा डी जेड। तो ये इंटीग्रल हमें सोल्व करना है, तो इस इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए और इंटीग्रल किस में कैसे है 0 0 0 से लेके स्क्वायर रूट टू एंड स्क्वायर रूट टू, तो एक्स वाई जेड में रिलेशन हमें पता होना चाहिए। तो एक्स वाई जेड को एक अलग कॉन्स्टेंट के टर्म्स में हम लिख लेते हैं और देन हम इंटीग्रल को सोल्व करेंगे। तो ऐसे 3D या 2D में कोई भी लाइन इंटीग्रल आता है आपका तो उसको हम कैसे सोल्व करते हैं जनरली, जैसे 2D की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो एक इक्वेशन ऑफ लाइन हम लिखेंगे कि अगर हम y को लिख दें mx प्लस c की फॉर्म में तो dy अपना कैसे हो जाएगा m इंटू में dx। तो y और dy की जगह पे ये हम रिप्लेस कर देते थे और देन इंटीग्रल जो है वो सिर्फ और सिर्फ x में अपना चेंज हो जाता था, तो x इंटू dx में इंटीग्रल हो गया तो हम उसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। एक जनरल फॉर्म क्या है कि इक्वेशन ऑफ लाइन हम कैसे लिखते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो जनरल फॉर्म ये होती है 2D में अगर इक्वेशन ऑफ लाइन की हम बात करें उसकी जनरल फॉर्म ये होती है जहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं स्लोप बोलते हैं और m से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि y2 माइनस y1 को अगर हम इधर लेके आएँ तो x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 वो किसके इक्वल होगा y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको अगर हम मान लेते हैं किसी कॉन्स्टेंट t के इक्वल तो x और y में जो रिलेशन हमारा आएगा वो t के टर्म्स में आ जाएगा, तो x और y की वैल्यू t के टर्म्स में हम पुट कर देंगे और dt के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रल सोल्व करेंगे, जहाँ पे जो t का इंटीग्रल जो होता है वो 0 से 1 में लाई करता है, जो t की वैल्यू है वो 0 से 1 पे लाई करती है। तो ये आप ध्यान रखो, ध्यान रखने वाली बात यही है कि जिस कॉन्स्टेंट के इक्वल हम मान रहे हैं उस कॉन्स्टेंट की वैल्यू हम मानेंगे कि वो 0 से 1 में लाई करता है, ठीक है। अभी बात 3D की है कि 3D में लाइन गिवन है तो हम कैसे लिखेंगे x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई z2 माइनस z1 और ये हमने मान लिया कॉन्स्टेंट t के इक्वल, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हमें गिवन है उसको हम बोल रहे हैं x1 y1 z1 और ये पॉइंट जो हमें गिवन है उसको हम बोल रहे हैं x2 y2 z2,
मतलब इंटीग्रल हमें सोल्व करना है एक्स वन वाई वन जेड वन से एक्स टू वाई टू जेड टू में, ठीक है। तो एक्स वन और एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू और जेड वन जेड टू की वैल्यूज हम पुट करेंगे। तो एक्स वन की वैल्यू तो जीरो है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स अपॉन स्क्वायर रूट टू इज इक्वल टू वाई अपॉन स्क्वायर रूट टू इज इक्वल टू जेड अपॉन स्क्वायर रूट टू, और वो किसके इक्वल है, टी। तो एक्स वाई और जेड तीनों ही इक्वल हैं, और वो किसके इक्वल हैं, स्क्वायर रूट टू इंटू में टी के। तो डी एक्स डी वाई या डी जेड की वैल्यू अगर हम निकालें तो वो भी तीनों ही किसके इक्वल होंगे, स्क्वायर रूट टू इंटू में डी टी के, और टी हमारा लाई कर रहा है जीरो से वन में। तो ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे एक्स वाई जेड जहाँ पे भी है अपना। तो इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया जीरो से वन में, क्योंकि डी टी के रेस्पेक्ट में अब हम इंटीग्रल कर रहे हैं। फाइव इंटू एक्स की जगह पे हमने रखा स्क्वायर रूट टू इंटू में टी, प्लस थ्री वाई की जगह पे हमने रखा स्क्वायर रूट टू इंटू में टी, डी एक्स की जगह पे हमने रखा स्क्वायर रूट टू इंटू में डी टी। तो डी टी को हम कंबाइन करके लिखेंगे लास्ट में, माइनस ट्वेल्व वाई जेड की जगह पे क्या आ जाएगा, टू इंटू में टी स्क्वायर, डी वाई का क्या आएगा, स्क्वायर रूट टू इंटू में डी टी, माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, टू इंटू में टी स्क्वायर, और जेड की जगह पे क्या आएगा, स्क्वायर रूट टू इंटू में टी। तो टी की पावर कितनी होगी यहाँ पे, थ्री। और इंटीग्रेशन है विद रेस्पेक्ट टू डी टी, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और जेड की वैल्यू सिर्फ हमने रखी है, डी जेड में भी क्या आएगा, स्क्वायर रूट टू इंटू में डी टी, तो स्क्वायर रूट टू एक और आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हमें किसका सोल्व करना है, जीरो से वन, फाइव प्लस स्क्वायर रूट टू इंटू टी अगर हम कॉमन लेते हैं तो फाइव प्लस थ्री क्या होगा, एट, और स्क्वायर रूट टू यहाँ पे, स्क्वायर रूट टू यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, एट इंटू में टू सिक्सटीन टी, माइनस ट्वेल्व इंटू में टू क्या होगा, ट्वेंटी फोर इंटू स्क्वायर रूट टू टी स्क्वायर, माइनस टू स्क्वायर रूट टू इंटू में स्क्वायर रूट टू टू होगा इंटू में टू, तो फोर टी क्यूब, और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू टी। तो क्या आ जाएगा, सिक्सटीन कॉन्स्टेंट है बाहर आएगा, टी का क्या होगा, टी स्क्वायर बाई टू, माइनस ट्वेंटी फोर इंटू स्क्वायर रूट टू कॉमन है, टी स्क्वायर का होगा टी क्यूब बाई थ्री, माइनस फोर टी क्यूब का क्या होगा, टी रेज टू पावर फोर बाई फोर, और लिमिट हम पुट करेंगे जीरो से वन। तो टू सिक्सटीन कैंसिल हुआ है एट टाइम्स, थ्री से ये ट्वेंटी फोर कैंसिल होगा एट टाइम्स, और फोर से फोर कैंसिल होगा, तो एट इंटू में टी स्क्वायर की जगह पे लिमिट हम पुट करेंगे, तो वन रखेंगे तो वन वैल्यू आएगी, जीरो रखेंगे तो वन माइनस जीरो, माइनस एट स्क्वायर रूट टू, टी क्यूब की जगह पे वैल्यू रखी वन माइनस जीरो, माइनस वन इंटू में टी फोर की जगह पे वैल्यू हम रखेंगे वन माइनस जीरो। तो वैल्यू हमें क्या मिल रही है, एट एट माइनस एट स्क्वायर रूट टू माइनस वन, तो एट में से ये वन गया तो सेवन माइनस एट स्क्वायर रूट टू। तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ गई, जो डी ऑप्शन है अपना वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो लेंथी क्वेश्चन था, वैसे एग्जाम में तो इस क्वेश्चन को आपको अवॉइड ही करना चाहिए, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि सोल्व कैसे करते हैं। तो जब भी कोई भी लाइन इंटीग्रल की बात हो तो एक्स वाई या जेड में एक रिलेशन हम निकालेंगे किसी अदर कॉन्स्टेंट की टर्म्स में, और जो कॉन्स्टेंट है वो अपना लाई करेगा जीरो से वन में। तो इंटीग्रल हमारा चेंज हो जाएगा जीरो से वन में, और उस कॉन्स्टेंट की टर्म्स में हम उस इंटीग्रल को सोल्व कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है वेक्टर एलजेब्रा से, कि एक वेक्टर हमें गिवन है और बताना क्या है कि उसका डेरिवेटिव हम कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टी, और उसके मॉडुलस की वैल्यू बतानी है टी इज इक्वल टू जीरो पे। तो कोई भी वेक्टर है, अगर ए वेक्टर हम लिख रहे हैं किस फॉर्म में, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, अगर इस फॉर्म में कोई वेक्टर हमें गिवन है और इसका डेरिवेटिव हमसे पूछा गया है डी ए बाई डी टी, तो कैसे हम लिखते हैं, डी ए एक्स बाई डी टी आई कैप डी ए वाई बाई डी टी जे कैप प्लस डी ए जेड बाई डी टी के कैप, ऐसे हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए एक्स एक्स वाई जेड हम कैसे लिख रहे हैं, कि आई का जो कंपोनेंट होगा ना उसको हम ए एक्स लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें एक्स वाली टर्म्स होंगी और इसमें वाई वाली टर्म्स होंगी। टर्म्स जो गिवन होंगी वो होंगी जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हमसे पूछा गया होगा, उसके टर्म्स में हमें क्या गिवन होगा, वेक्टर। लेकिन ए एक्स से हम इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि ये एक्स कॉम्पोनेंट है हमारा, आई का जो कॉम्पोनेंट है एक्स कॉम्पोनेंट, इसलिए हम ए एक्स लिख रहे हैं।
तो डी आर बाई डी टी हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन टी का डेरिवेटिव हम करेंगे, क्योंकि इसका जो एक्स कॉम्पोनेंट है उसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टी वो क्या आएगा, साइन टी का होता है कोस टी आई कैप प्लस एल एन का क्या होता है वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस फाइव, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा टू इंटू में टी। जे कैप माइनस टी क्यूब का क्या हो जाएगा, माइनस थ्री आगे आएगा टी स्क्वायर के कैप। ठीक है, तो अब इसका क्या निकालना है, हमें मॉडुलस निकालना है, डी आर बाई डी टी का मॉडुलस निकालना है एट टी इज इक्वल टू जीरो। तो मॉडुलस हम कैसे लिखेंगे, कोस स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर और उसका क्या लेते हैं स्क्वायर रूट। तो कोस स्क्वायर टी प्लस टू टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस फाइव इसका क्या होगा स्क्वायर, प्लस माइनस थ्री टी स्क्वायर और इसका क्या होगा स्क्वायर, और उसका क्या लेंगे स्क्वायर रूट। और t इज इक्वल टू जीरो पे हमें वैल्यू देखनी है, तो t इज इक्वल टू जीरो हम पुट कर देंगे, तो t इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी वन, यहाँ पे क्या आएगी जीरो प्लस जीरो और इसका स्क्वायर रूट, तो वैल्यू हमें क्या मिल रही है वन मिल रही है। तो जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना डिफरेंशियल इक्वेशन से है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है, तो ऑप्शंस हमने नहीं लिखे हैं इस क्वेश्चन के, तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, जो ऑप्शन होंगे अपने, या तो आप ऐसे चेक कर सकते हो कि जो भी आपके ऑप्शंस होंगे उसमें हमें क्या गिवन होगा, वाई ऑफ टी गिवन होगा, और जो सॉल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो जो सॉल्यूशन सेटिस्फाई करेगा वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। दूसरा, अगर इस इक्वेशन को आप देखो तो ये सिंपल सी इक्वेशन है, कौन सी, सेकंड ऑर्डर लीनियर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि आर ऑफ एक्स जो है वो नॉट इक्वल है जीरो के, डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट। तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, जो सॉल्यूशन होता है वाई ऑफ टी वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो इक्वेशन को लिखते हैं 3d square y upon dt square minus dy by dt is equal to minus 1 by 5। Complementary function के लिए r of x को 0 consider करते हैं तो 3m square minus m is equal to 0। तो m की एक value तो हमें 0 मिल रही है और दूसरी क्या मिल रही है 1 by 3। तो real और distinct roots हैं, complementary function क्या हो जाएगा, c1 e raised to power 0 into t तो 1 होता है plus c2 e raised to power 1 बाई थ्री इंटू में टी। ठीक है, तो ये हमारा आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हमें निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल और वो क्या होगा 1 अपॉन एफ ऑफ डी। एफ ऑफ डी की वैल्यू क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर्स की टर्म्स में अगर हम लिखेंगे तो 3d स्क्वायर माइनस डी इंटू में क्या है माइनस 1 बाई फाइव, और इसको हम लिख लेते हैं क्योंकि कॉन्स्टेंट है तो हम इसको कैसे लिख रहे हैं, e रेज टू पावर 0 इंटू में टी की फॉर्म में। तो d की जगह पे हम 0 रखेंगे तो ये जो f ऑफ a हमारा होगा वो किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे लिखते हैं, t से हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हम क्या लेंगे डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव क्या आएगा 6d माइनस 1 और माइनस 1 बाई 5 इंटू ई रेज टू पावर 0 इंटू में t। तो अब d की जगह पे हम क्या लिख देंगे 0, तो d की जगह पे 0 लेंगे तो ये क्या हो गया 0 हो गया, माइनस 1 है माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है 1 अपॉन 5 इंटू में टी, और ई रेज टू पावर 0 टी तो क्या होता है 1। तो जो सॉल्यूशन होगा इक्वेशन का वो क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो प्लस टी अपॉन 5। तो जो भी ऑप्शन मैच होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है हमें, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, 4x स्क्वायर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो d स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। और ये इक्वेशन आपको किस फॉर्म की दिख रही है, जितनी यहाँ पे ऑर्डर है डेरिवेटिव का उतनी ही x की क्या है पावर। तो कोसी आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और कोसी आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं, x को हम क्या मानते हैं e रेज टू पावर z, और जहाँ पे भी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर होता है वहाँ पे हम क्या लिखते हैं डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी जेड। आपको ध्यान होगा ऐसे हम लिखते थे डी इंटू डी माइनस वन इंटू में वाई,
जहाँ पे जो डी होता है वो क्या बता रहा है, डिफरेंशियल ऑपरेटर विद रेस्पेक्ट टू जेड, ठीक है। तो अब एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू हम रख देंगे, तो 4d स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर माइनस 4dy बाई डी जेड प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो इक्वेशन किस में कन्वर्ट होगी, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट, और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि आर ऑफ एक्स क्या है, जीरो। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो y ऑफ z के टर्म्स में हम निकालेंगे, देन z को हम रिप्लेस कर देंगे x की टर्म्स में, क्योंकि z अपना किसके इक्वल है, ln x के इक्वल, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाएगा, 4m स्क्वायर, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे माइनस 4m प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपको किसका स्क्वायर दिख रहा है, 2m माइनस 1 का स्क्वायर दिख रहा है। तो जो m की वैल्यूज आई वो क्या आई, 1 बाई टू एंड 1 बाई टू, तो रियल और इक्वल रूट्स हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाएगा, y ऑफ z इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू इंटू में z e रेज टू पावर m 1 बाई टू इंटू में z, ठीक है। तो y को हम लिखेंगे x के टर्म्स में, तो y ऑफ x अपना क्या आएगा, c1 प्लस सी टू इंटू में z की जगह पे क्या आ जाएगा, ln x इंटू ई रेज टू पावर z जो है वो किसके इक्वल है, x के इक्वल, तो हाफ पावर है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगी, x की पावर हाफ, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से है कि हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू बतानी है, जहाँ पे जो कर्व जो हमें गिवन है, क्लोज कर्व कॉन्टोर मोड ऑफ z इज इक्वल टू 1। तो कैसे हम लिखते हैं कि z इज इक्वल टू 0 जो है वो सेंटर है, और 1 रेडियस लेके एक सर्कल हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि सिंगुलर पॉइंट जो है वो कौन कौन से इनसाइड द क्लोज्ड कर्व लाई करते हैं। तो f ऑफ z हम लिखेंगे तो क्या आएगा, cos स्क्वायर टी जेड अपॉन जेड क्यूब। तो जहाँ पे भी फंक्शन नोट डिफाइंड होता है वो क्या होते हैं, सिंगुलर पॉइंट। तो कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी वही कहती है कि जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसको हम रखते हैं 0 के इक्वल। तो z इज इक्वल टू 0, एक थर्ड ऑर्डर पोल हमें मिल रहा है, और z इज इक्वल टू 0 जो है वो इनसाइड द क्लोज्ड कर्व भी लाई कर रहा है। तो उसके लिए हमें रेसिड्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, रेसिड्यू फंक्शन एट z इज इक्वल टू 0। और nth ऑर्डर पोल के लिए कैसे हम निकालते हैं, 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, d बाई dz कितने टाइम्स, n माइनस 1 टाइम्स किसका, z क्यूब इंटू में f ऑफ z। तो z इज इक्वल टू 0 अगर थर्ड ऑर्डर पोल है, तो z माइनस 0 क्या हम क्या लेंगे, क्यूब लेंगे। तो z क्यूब इंटू में क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर टी जेड अपॉन z क्यूब, और ये वैल्यू हम निकालेंगे एट z इज इक्वल टू 0 पे। तो z क्यूब से z क्यूब कैंसिल हुआ, इसका क्या करना है, दो बार डेरिवेटिव, तो 1 बाई 2 एक बार डेरिवेटिव करेंगे, d बाई dz क्या आएगा, 2 cos tz इंटू में साइन टी जेड, क्योंकि कोस का क्या होगा, माइनस साइन होगा, और टी जेड का क्या होगा, टी। तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस टी अपना बाहर आ गया, दोबारा से हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, कोस टी जेड फर्स्ट फंक्शन हमने एज इट इज़ लिया, माइनस टी हमने कॉमन ले चुके हैं, साइन टी जेड का क्या आएगा, कोस टी जेड इंटू में टी प्लस साइन टी जेड हमने कॉन्स्टेंट लिया, और कोस का क्या आएगा, अगेन माइनस साइन टी जेड इंटू में टी। तो टी भी हम कॉमन ले लेंगे, तो माइनस टी स्क्वायर वैल्यू क्या बच रही है, कोस स्क्वायर टी जेड माइनस साइन स्क्वायर टी जेड, और वैल्यू हमें निकालनी है एट जेड इज इक्वल टू 0। तो जेड इज इक्वल टू 0 अगर हम रखते हैं, तो ये तो क्या हो गया 0, और ये क्या हो गया 1। तो रेसिड्यू हमें क्या मिल रहा है एट जेड इज इक्वल टू 0 पे, माइनस ऑफ टी स्क्वायर। तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्लोज्ड कर्व इंटीग्रल एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आइटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यू, और वो कितना है, माइनस टी स्क्वायर। तो माइनस ऑफ 2 पाई आइटा इंटू टी स्क्वायर, जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से कि मोड ऑफ जेड माइनस 1 प्लस मोड ऑफ जेड प्लस 1 किसके इक्वल गिवन है, 4k, और वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। मतलब x और y में एक रिलेशन हमें निकालना है, और उसी के अकॉर्डिंग हम बताएंगे
कि किस टाइप का रिलेशन हमारा आ रहा है, सर्कल, फोम का आ रहा है, पैराबोला, इलिप्स या हाइपरबोला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे z हमें गिवन है और वो क्या है, x प्लस आइटा वाई है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। तो z प्लस वन का मोड हमने ऐसे लिख लिया, 4 माइनस ये टर्म हम उधर लेके गए, z माइनस वन का मोड। और इसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं दो बोथ साइड। तो z प्लस वन का मोड स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 16, 4 का स्क्वायर 16, प्लस z माइनस वन का मोड स्क्वायर प्लस माइनस 8 इंटू z माइनस वन का मोड। ठीक है, तो अगर इसका मॉडुलस हम ओपन करें तो x प्लस आइटा वाई की फॉर्म में लिखेंगे, तो रियल पार्ट क्या होगा, x प्लस वन, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट होता है, और यहाँ पे क्या गिवन है, स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमें मिलेगी इज इक्वल टू 16 प्लस x माइनस वन होगा यहाँ पे रियल पार्ट, x माइनस वन का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हमें मिल रही है माइनस 8 मोड ऑफ z माइनस वन, ऐसे ही हमने लिखा है। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट में आएगी टर्म्स जो आएगी, तो इसको हम बाद में देखेंगे। तो इसको हम सोल्व करते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस y स्क्वायर, और ये वाली टर्म हम इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस y स्क्वायर, ये हमने ओपन किया तो ऐसे आएगा, अब इधर लेके आ रहे हैं तो माइनस साइन है, तो इज इक्वल टू 16 माइनस 8 इंटू मोड ऑफ z माइनस 1। तो x स्क्वायर भी कैंसिल होगा, 1 भी कैंसिल होगा, और y स्क्वायर भी कैंसिल होगा, इनसे 2x बचेगा। तो 2x यहाँ पे है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो 4x इज इक्वल टू 16 में से हमने अगर 4 कॉमन ले लिया तो 4 माइनस 2 मोड ऑफ z माइनस 1, ऐसे हमने लिख लिया। तो 4 से 4 कैंसिल हुआ, अब हम स्क्वायर कर रहे हैं बोथ साइड, तो यहाँ पे हमें मिलेगा। और स्क्वायर करने से पहले हम क्या करते हैं, 4 को इस साइड में लेके आते हैं, तो 4, या फिर मैं बोलूँ x को हम उधर लेके आएंगे, तो 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 को हम इस साइड लेके आए, तो 2 इंटू में मोड ऑफ z माइनस 1। तो अब हम स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, तो कोई भी स्क्वायर रूट की टर्म्स हमारी नहीं बचेगी अभी। ठीक है, तो 4 माइनस एक्स का क्या होगा, स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, और मोड ऑफ जेड माइनस वन का क्या होगा, स्क्वायर। तो उसका स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो एक्स माइनस वन का क्या है, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि रियल पार्ट यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस वन। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 4 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर। तो x वाली और y वाली टर्म्स एक साथ हम करते हैं, तो 4x स्क्वायर यहाँ पे है, x स्क्वायर यहाँ पे उधर जाएगा, तो क्या बचेगा, 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, और ये 2x यहाँ पे है, 4 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 8x इधर है, माइनस 8x इधर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे क्या है 4, तो इज इक्वल टू क्या बचेगा, 4 इधर गया 16 की तरफ, तो 16 माइनस 4 12। तो अगर 12 से हम डिवाइड करते हैं तो x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे a जो है वो नॉट इक्वल है b के, ठीक है, a नॉट इक्वल b है के है, और बीच में साइन जो है वो प्लस का है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर ही होता है इज इक्वल टू 1, तो ये रिप्रेजेंट करता सर्कल को। अब ए नॉट इक्वल बी है, मतलब एक सेमी मेजर एक्सिस है, एक सेमी माइनर एक्सिस है। ठीक है, तो इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर नेगेटिव साइन होता तो वो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता। पैराबोला के लिए हमें पता है इस टाइप की फॉर्म आती है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इस टाइप की फॉर्म हमारी पैराबोला के लिए होती है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लैपलेस ट्रांसफॉर्म से, इफ एफ ऑफ एस इज लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म हमें बताना है एफ ऑफ ए टी का। तो ये फॉर्मूला आपने देखा भी होगा, तो जो इसका बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। वो कैसे हम निकालते हैं वो देख लेते हैं, कि अगर लैपलेस ट्रांसफॉर्म हम लिखते हैं एफ ऑफ टी का, तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ ऑफ एस से, और कैसे लिखते हैं, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e raised to power minus st f of t
इंटू डी टी, ठीक है। अब लैपलेस ट्रांसफॉर्म हमें निकालना है एफ ऑफ ए टी का, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो टू इन्फिनिटी, जहाँ पे भी टी है फंक्शन में वहाँ पे हम क्या रखेंगे ए टी, तो माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ ए टी डी टी। तो अब हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि जो ए टी है अपना उसको हमने नाम दे दिया कैपिटल टी का, या फिर स्मॉल टी को अगर हम लिखें तो कैपिटल टी अपॉन ए, तो डी टी क्या आ जाएगा यहाँ से, कैपिटल डी टी अपॉन ए। तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे तो इंटीग्रल होगा जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस तो है ही, टी की जगह पे हम रखेंगे कैपिटल टी अपॉन ए, एफ ऑफ कैपिटल टी, डी टी की जगह पे लिखा डी ऑफ कैपिटल टी अपॉन ए, तो वन अपॉन ए बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है। तो अब इसको अगर आप देखो तो अगर इसको हम ऐसे लिख रहे हैं माइनस एस बाई ए इंटू में कैपिटल टी, ऐसे हम लिख देंगे, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ ऑफ टी का जो है लैपलेस ट्रांसफॉर्म उसको हम रिप्रेजेंट करें। और उसको हम कैसे लिखते हैं, जहाँ पे ये टी का जो कोफिशियंट होगा, माइनस टी का जो कोफिशियंट होगा उससे हम लिखेंगे, तो एफ ऑफ एस बाई ए से हम लिखेंगे, और डिवाइड में क्या है वन अपॉन ए, तो जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो मैथमेटिकल फिजिक्स से जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने सोल्व कर लिए हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।